रवि बाबू जल्दी से रेस्ट में कर लेते हैं, फिर माँ से मिलेंगे, है ना मामी? बैठो ना पति बाबू, मुझे माँ से मिलना है। जमाई बाबू पैर रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये रस्म नहीं करूंगा। पैर धोने की रस्म है जमाई की, वही कर रहा हूं। कुछ गलती हुई हमसे? नहीं, पर आप क्यों कर रहे हैं ये? कर्जदार नहीं है क्या हम आपके और आपके परिवार के? आपने हमारी बेटियों को अपने घर में जगह नहीं दी, आपके कारण ही तो उन्हें मान सम्मान समाज में इज्जत मिली। इसके बदले आपके चरण धोखे भी पी जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से कर्जदार हम आपके नहीं हुए। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं, तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना कपड़ा खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को, आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें, तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए? सौरभ, यहां बैठने का अधिकार हमारा नहीं, किसी और का है। अब इस पीढ़ी पे कौन बैठेगा पति बाबू? तुम्हारी माँ। बुलाइए उन्हें। और आप लोग भी बैठिए, मैं और सौरभ आपके पैर धोएंगे। अपनी बेटी देकर जो कर्ज चढ़ाया है हम पर, शायद कुछ कम हो जाए। क्यों सौरभ? जमाई से पैर धुलवा कर हमें पाप का भागी बनाएंगे क्या? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप चाहते हैं बड़ों से पैर धुलवा कर मैं और सौरभ पाप के भागी बन जाएं? ये सही होगा? हम दोनों छोटे नहीं आपसे, तो अगर हम आप लोगों के पैर नहीं धो सकते तो जमाई के पैर धुलवाने की रस्म भी नहीं होगी। जमाई से पैर धुलवाया तो पूरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? पर रस्मों के बिना ये विवाह अधूरा रह जाएगा, इसीलिए एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जमाई बाबू भी बोंदिता की तरह सवाल करते हैं। ये हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए छोटी जमाई। हो गई पूरी रस्में मामी, मिल सकती हूँ ना मैं माँ से अभी? आप भी चलेंगे पति बाबू माँ से मिलने? माँ के पसंद के फल तो मैं गाड़ी से लाना भूल ही गई। माँ को अपने हाथ से खिलाना है मुझे, मालूम है पति बाबू खाती है माँ, पर स्वाद मुझे आता है। चलो गाड़ी से ले आते हैं। संभाल कर, गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ये सब माँ को खिलाने हैं मुझे, इन्हें खराब होने दूंगी क्या? सिर्फ माँ को? और किसे? आप खाएंगे, माँ के पास आप भी चलो, एक आपको भी दे दूंगी। एक पूरा फल दे दोगी तो फिर माँ को बुरा नहीं लगेगा? बहुत अच्छी है मेरी माँ, एक खा लोगे तो डांटेंगे क्या? वो तो खुद चीजें बांटने को कहती है, मैं सब बांटती हूँ रसगुल्ला छोड़ के। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम मिल लो अपनी माँ से, गले मिलकर बातें कर लो,
मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, ठीक है? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? आप भी डरते हो? माँ से मिलने में कैसा डर? माँ विधवा है ना, सब डरते हैं उनपे विधवा की छाया पड़ने से। नहीं, मैं नहीं डरता। तो मिलोगे माँ से? हाँ जरूर मिलूंगा, वो भी अभी। लेके चलोगी माँ के पास? फिर थोड़े फल आप भी ले लो, कह देना आप लाए हो। माँ को कभी कोई तोहफा नहीं मिलता, आप माँ को ये दोगे तो वो तोहफा पाकर बहुत खुश होंगी। लाओ। चले। माँ? कुछ भी तो नहीं इस कमरे में, ऐसे बिना किसी सुविधा के कितना मुश्किल होता होगा बोंदिता की माँ का यहाँ रहना। ओ पति बाबू, पीछे ही खड़े रहेंगे आप, मिलेंगे नहीं माँ से, तोहफा नहीं देंगे मेरी माँ को। मिलूं कैसे जब वो ही मुझे नहीं मिलना चाहती? तो माँ, आप पति बाबू से मिलना नहीं चाहती? पाप चला रहे आप मुझ पर जमाई बाबू। पाप तो शायद मुझसे हुआ है कोई, वरना आप मेरे आने पे यूं मुंह नहीं फेर लेती ना। बोंदिता बेटी है आपकी, उसके हिस्से के प्यार पे तो अधिकार नहीं है मेरा, पर आपके आशीर्वाद में से तो हिस्सा ले सकता हूँ ना। हे दुक्का माँ, एक विधवा से आशीर्वाद मांग रही है जमाई बाबू। जमाई बाबू, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कहिए। वो जमाई बाबू, मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। बोंदिता के सामने ये बात नहीं कह सकती थी, वो बच्ची है, जिद करेगी, समझ नहीं है ना उसे। पर मुझे लगता है कि बोंदिता काफी समझदार है, जिद भी गलत नहीं है उसकी। अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? बोंदिता सिर्फ 8 साल की है, उसे जरूरत नहीं होगी अपनी माँ की। इस उम्र में उससे दूर रहना सही होगा क्या उसके लिए? आपके पास ना जाने की कई वजह होंगी, पर मेरे पास आपको ले जाने की सिर्फ एक वजह है, बोंदिता। और उसके लिए आपको हर हाल में मेरे साथ आना ही होगा। मैं जमाई बाबू को कैसे समझाऊं कि मैं नहीं आ सकती? संपूर्णा दीदी कहाँ है? संपूर्णा तो घर चली गई, कह रही थी कि माँ बुला रही होगी, चले। ना मामी ने बुलाया ना संपूर्णा दीदी घर आई, तो गए कहाँ? हुआ क्या है सबको? अकेले छोड़कर चले गए मुझको। माँ कुएं पे पानी भरने गई है तो पति बाबू गाँव घूमने, मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ? चलो समय बिताने के लिए संपूर्णा दीदी को ही ढूंढती हूँ। एक बात कहें, आवाज बहुत मीठी है तुम्हारी, खूब भालो। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा गाती हो? गाए तो थे पहले। अच्छा वो गाना था? वैसे एक बात कहूँ, जब से यहाँ आए हैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। क्या जाना है? यही कि जब तुम्हारे बालों की लट तुम्हारे गोरे गालों पर झूलती है तो और भी सुंदर लगती हो तुम। झूठ? सच। आईना होता तो दिखा देता कैसे चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। यहाँ भी नहीं है,
आखिर कहाँ चली गई संपूर्णा दीदी? जाऊं मैं, किसी ने देख लिया तो? तो? मैं तो मर ही जाऊंगी, आपको शर्म नहीं आएगी? और अगर आएगी भी उसे दूसरी दिशा में मोड़ दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा हाथ खुद मेरे हाथों पर रखा नहीं गया था, तो क्यों छोड़े इसे? जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर किससे? आपसे। मुझसे? जमाई बाबू संपूर्णा दीदी का हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं? जब संपूर्णा दीदी को दर्द हो रहा है तो जमाई बाबू उनका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जल्दी से संपूर्णा दीदी को पट्टी करनी होगी और मामी से शिकायत की कि पास ना आने दो जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के। जैसे तय किया था भौमिक बाबू, शराब के कारखाने के सारे कागजात तैयार हैं, मैंने साइन कर दिए, बस आप अपने साइन कर दीजिए तो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाए। ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। क्या हुआ भौमिक बाबू, आप साइन करते हुए रुक क्यों गए? मुझे नहीं लगता ये करार मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा। पर भौमिक बाबू, सारी शर्तें वैसी ही हैं जो पहले तय हुई थी, कुछ नहीं बदला। मेरी नजर से देखिए मिस्टर बिनॉय राय चौधरी, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तब अलग बात थी, अब अलग बात है। तब मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं था और अब नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। पर निराश ना हुई बिनॉय बाबू, पड़ोसी हैं, दोबारा मिलेंगे और क्या पता व्यापार भी हो जाए दोबारा।